600 मीटर में मेरा गोल्ड है और 100 मीटर में मेरा सिल्वर मेडल है। और जूनियर नेशनल में जो विजयवाड़ा में अभी जो आंध्र प्रदेश में 2019 में हुआ था उसमें मेरा जूनियर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है 600 मीटर में और दिल्ली सिरसर में चैम्पियन हूं। हमारी डाइट है उस पर थोड़ा बहुत असर हुआ और जो अभी तक कोई स्पॉन्सर विस्पॉन्सर भी नहीं हुए हम कहीं से इतना मेडल वेडल होने के बाद भी। और दिक्कतें बहुत सारी आई हैं कि हम पर खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, ऐसी ऐसी दिक्कतें आई हैं हम पर। और मैं अपनी लॉकडाउन में जो मैं अपनी बहन के चले गया था मैं रहने के लिए कुछ दिन के लिए, क्योंकि घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं था इसलिए मैं अपनी बहन के ऊपर रुका हुआ था। तो लॉकडाउन में हमें ऐसे हालात पर गुजरना पड़ा है कि हम कुछ कह नहीं सकते। कुछ कुछ दिन तो ऐसे निकल जाते थे कि हम पानी से रहते थे आधे आधे रात। उसका कुछ लोगों से काम भी छूट गया, मैं चला था उसको लॉकडाउन के तो काम सही चल रहा था, पहले लॉकडाउन के बाद काम बिल्कुल बंद चल रहा है। दिक्कत समस्या अपनी आ रही है। पाँच महीना तो बहुत देखो इनसे भी कहती कि ये किराया बेचारी दो दो महीना पीछे किराया मांगते, कभी थोड़ा थोड़ा 500-400 करके देती किराया भाड़ा लेकर पा रही ना। अभी 2 महीने चढ़ गए भैया को किराया देती मिला लग बेटा। डाइट बताया है बट वो रूल फॉलो करने के लिए मेरे पर पैसे नहीं थे तो इसलिए मैं जो घर से मिलता है वही खाता हूँ। और मैं अपने दिमाग पर ज़्यादा वो नहीं डालता कि ये खाने से वो होगा ये, मैं सिर्फ जो घर से मिलता है और जो मेरे को सर देते हैं, जैसे कि कभी प्रोटीन दे दिया सर ने और घर से थोड़े बहुत दूध वूध भी मिल जाता है, कभी कभार रोटी वोटी ऐसे खा कर मैं अब तक तेज भागा। मैं गांव में रनिंग करता था, मेरे गांव का नाम बसेली है और वहां से मेरे एक भाई ने सपोर्ट किया था मुझे, उसका नाम हरिंदर है, वो वाइफ के सावा का है। उसने बोला कि तू यहां पर आ जा, हरिंदर का यूथ में यूथ नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है वो 1500 मीटर का। मम्मी कोठियों में काम करती थी और पापा रिक्शा चलाते थे तो उसे थोड़ा बहुत सहारा लग जाता था। और जो मेरे कोच हैं विपिन लोहित, उन्होंने मुझे बहुत सहायता की है, वो उन्होंने मुझे हर चीज़ में पैसे दिए हैं, खाने के लिए पैसे, सब चीज़ के लिए पैसे देते थे मुझे। और उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, जो मेरे कोच हैं उन्होंने हर चीज़ से, कपड़े से, जूते से, सब चीज़ से मेरे को कोई दिक्कत आने नहीं दी उन्होंने। बस उन्होंने मेरे साहस बना रखी है, तू करता रहे हम हैं तेरे पीछे, बस यही मेरी वजह थी। लॉकडाउन के चलते हुए जो हुनर खिलाड़ी हैं और गरीब परिवार से हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन चलते हुए स्टेडियम और बाकी फैसिलिटी सारी बंद हो गई और हमारी प्रैक्टिस भी बंद हो चुकी थी। और मेरे पास लोकेश है वो काफी गरीब परिवार से आता है, उसके पास ट्रांसपोर्टेशन के भी पैसे नहीं है, तो उसे जितना हो सकता मैं अफोर्ड कर रहा हूँ। गरीबी की वजह से जो उसका टैलेंट है वो नहीं आ पा रहा प्रॉपर, क्योंकि फैसिलिटी नहीं है। पर ये कोशिश तो कर रहा है अपनी मतलब मेहनत से, अब अपनी कोशिश जारी है, देखो क्या यही एक बेटा कि यही कछु रह जाए तो हमारा जीवन रह जाएगा पापा। वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना चाहता हूँ, ओलंपिक में खेलना चाहता हूँ सर, मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक में, जो मिल्खा सिंह ने कहा था जो ओलंपिक में मेरे आंखों सामने, मैं उनका सपना सच करना चाहता हूँ 400 मीटर में।